here addressing Government Associate College for Women and the respectable principal, Ms. Iram Ashar Sahiba, and to the faculty, or Ms. Malka and Ms. Samina ne ye organized, choreographed kiya the play, and hats off to all the students performing. It was just commendable. Me and my mother were sitting there, and hum log bhi soche the ki because hum log bahut se educational institutes ke andar jaate hain aur koshish yahi hoti hai ki youth ke andar face to face unko educate kiya jaye Kashmir cause ke hawale se. But I think speeches se bhi kahin zyada important hai sermon dene se, ki aap kisi ek soft way mein, ek summarized, encapsulated manner mein you put the entire case of Kashmir before the youngsters, before the youth. तो ये बड़ा ही कमाल का था. आई थिंक बल्कि इसका मैं चाहूँगी कि आपने जो ये प्ले किया है कि पी एन सी और दूसरे जो हमारे जो आर्ट काउंसिल्स हैं ऑल ओवर द कंट्री के उनको भी आपके साथ थोड़ा क्योंकि कश्मीर के हवाले से वी वुड रियली वॉन्ट कि इस तरह के शॉर्ट किस्म के दिखाए जाएँ बिकॉज इट्स एजुकेशन एंड एट द सेम टाइम इट्स यू टॉकिंग अबाउट द करेक्ट हिस्ट्री. एक इमोशनलिज्म होता है और एक फैक्ट्स होते हैं. तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई और इसके अंदर डेफिनेटली आपकी जो प्रिंसिपल साहिब है उनका पैशन नज़र आ रहा है इस पूरे काम में अलॉन्ग विद द टीम. और आज का दिन क्योंकि ये पूरा वीक ही हमारा होता है, एक तो 5 फरवरी तो आता ही है मगर फरवरी का मंथ भी हमारे लिए एक शहदा का वीक भी होता है. बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियों को हमने खोया और उसके अंदर अफजल गुरु शहीद 9 फरवरी को. और उनका मैं शॉर्ट भी बताऊंगी कि उनका सिर्फ एक यही कसूर था कि वो कश्मीरी. और कुछ साल पहले उनको 2013 में जब रज़िया पैदा हुई थी तो उनको फांसी चढ़ा दिया था हिंदुस्तान की अदालत ने. इनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला किया था जो कि आप लोग भी हैरान होंगे कि दुनिया में ऐसे फ़ैसले यही होते हैं कि कोई प्रूफ नहीं मिला. एक मासूम इंटेलेक्चुअल आदमी था, पकड़ा वहाँ से उनको दिल्ली की सड़कों से बिकॉज ही वॉज अ कश्मीरी और वो आज़ादी की बात करते थे बट ही वॉज नॉट अ पोलिटिकल लीडर. तो उनको पकड़ के तिहाड़ के जेल में डाल दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इनके ख़िलाफ़ कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, मगर इंडियन पब्लिक की कॉन्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए, अवाम की जो उनकी सेटिस्फैक्शन इंडियन पब्लिक की अर्न करने के लिए इसको फांसी चढ़ा दो. वो 9th को और उसका उनका बेटा बहुत छोटा सा था उस वक्त, अब वो माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है और काफ़ी लायक है वो उनका बेटा और एक ही बच्चा था उनका. तो अभी भी उनकी डेड बॉडी जो मॉर्टल रिमेन्स, क्योंकि अक्सर जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं आप मकबूज़ा कश्मीर के अंदर देखते हैं जो जो रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ किया जा रहा है, आर्बिट्री डिटेंशंस हैं, सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, घरों को बुलडोज कर दिया जाता है और अब तो आबादी को भी जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद. क्योंकि अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या फ़र्क है उस वक्त का और अब का, क्या यू नो उससे पहले भी जुल्म हो रहा था 5 अगस्त 2019 से पहले, उस वक्त भी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस थी, हर तरह के वॉर क्राइम्स हो रहे थे. तो सिंपल वर्ड्स में यही है कि वहाँ पर पहले हिंदुस्तान की आर्मी ने कब्ज़ा किया, अब उनकी पब्लिक ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया. 50 लाख इंडियंस को अब तक जो मेरी रिपोर्ट्स हैं कि वो उनको वहाँ की शहरियत दे दी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी की. आज़ाद कश्मीर में किसी पाकिस्तानी को इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पे लैंड ख़रीद सके या वोटर राइट, क्योंकि जब तक हक़ खुद इरादियत UN की करारदादें इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया हुआ है कि जो कश्मीरी चाहते हैं उसको प्रिजर्व किया हुआ है उनकी आइडेंटिटी को. मगर यहाँ पे अब 1-2 सालों के अंदर इनका पूरा प्लान है कि एक मिनी इंडिया में इसको तब्दील कर दिया जाए. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने यूथ के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि किस तरीके से कश्मीर की जो इम्पोर्टेंस है और कश्मीरियों की. एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक इंसानियत की बात होती है, एक हमारा मज़हब एक है, हमारी जो अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का और UN की करारदादों का सिग्नेटरी है पाकिस्तान, मगर उसके साथ साथ जो एक और भी बहुत क्रूशल इसके एस्पेक्ट्स हैं कि ये आपकी डिफेंस लाइन है कि 10 लाख हिंदुस्तान की आर्मी को हमारी मूवमेंट ने इंगेज किया. जो वहाँ तहरीक है ना, रेवोल्यूशन जो चल रही है आज़ादी की ओवर 75 ईयर्स, उन लोगों ने निहत्ते अनआर्म्ड, कोई आर्मी नहीं है,
और ये भी एक मिरेकल है अल्लाह का कि एक 75 ईयर से एक प्रोलॉन्ग कर रही है हमारी स्ट्रगल विदाउट एनी डिफेंस सिस्टम कि दुनिया में इसका देर इज़ एब्सोल्युटली नो एग्जांपल इन हिस्ट्री वेयर यू हैव एन अनआर्म्ड नेशन व्हिच इज़ कॉम्बैटिंग सच अ ह्यूज मैसिव आर्मी एंड हाउ दे आर डूइंग इट दिस इज द आई थिंक इनॉर्मस स्ट्रेंथ दैट दे गेट फ्रॉम देयर फेथ इन अल्लाह देयर ब्लाइंड कन्विक्शन इन देयर गोल. तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है सीरियसली. कभी कभार जो है आपकी अकल भी जो है वो माउफ हो जाते हैं आपके, ये कहाँ से इतनी हिम्मत आती है एक जनरेशन के बाद दूसरी में ट्रांसफ़र होती है यही जज्बा फिर अकलों में. और इस दौरान 75 इयर्स में हमने बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देखा, बहुत ही बहादुर तरीन जो रहनुमा थे हम लोगों के क़्यादत करते थे. अब आज के दिन 11 फरवरी को मकबूल बट शहीद की शहादत हुई 1984 के अंदर, और उनकी भी बहुत बड़े लीडर थे वो, आज़ादी का अलम उठाया हुआ था, और उनकी भी आज तक डेड बॉडी तिहाड़ जेल में दफनाई हुई है. फैमिली ने आज तक उनको नहीं देखा, उनकी लाश तक नहीं मिली. तो मैं आपको एक पर्सनल बात मैं एक बताऊँगी अपार्ट फ्रॉम एट्रॉसिटीज़ कि जब यासीन साहब से मैं पहली दफ़ा मिली थी 2005 में, आई वॉज़ अ यंग स्टूडेंट, आई वॉज़ अ टीनेजर, और उस ज़माने में पीस प्रोसेस चल रहा था जनरल मुशर्रफ का टाइम का, एंड माय मदर वाज़ अ सीनियर लीडर इन PMLQ. तो मैं वहाँ पे गई, उनकी मैंने नज़म सुनी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लौहे अज़ल पे लिखा. तो वो इतनी, मैं इसी तरह ऑडियंस के अंदर बैठी थी, मैं तो गुम ही होगी, एक सहरदारी हो गया. तो उसके बाद मैंने उनकी ऑटोग्राफ ली, वो आज तक मेरे पास उनकी ऑटोग्राफ वो पड़ी हुई है. बट उसके बाद वो एक दो दफ़ा, क्योंकि बहुत से इवेंट्स में मदर और उनकी पूरी टीम अरेंज कर रही थी इनके ऑनर में, बहुत सी जो हिस्टोरिकल था हुर्रियत के रहनुमा जो आए हुए थे पहली दफ़ा पाकिस्तान, मीरबाई साहब थे उसमें, अब्दुल गनी भट्ट साहब थे और यासीन मलिक. तो ये हमारे घर पर आए, तो इनका हमारे घर डिनर था. तो हमारा भी बड़ा कंजर्वेटिव माहौल है, मॉडर्न है, बट हमारी वालदा की भी, मदर की भी एक ईगल आई होती है. तो वो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि वो आए हुए थे. तो जब अम्मी नमाज़ पढ़ने गई ईशा की, तो आई वॉज़ सिटिंग विद हिम, तो ही वॉज़ प्रपोजिंग टू मी. तो यू नो वट ही सैड, ही सैड इफ़ यू विल नॉट से येस टू मी देन यू हैव टू मेक वन प्रोमिस. दैट स्टिल हॉन्ट्स मी अपार्ट फ्राम द रोमांटिक जेस्चर. ही सैड दैट अगर आप नो कहोगी तो एक वादा करना दैट मेरी कब्र पर आना जब मैं मर जाऊंगा. ये भी एक इतना बड़ा डिलेमा है कि कब्र पे भी नहीं आप जा सकते, डेड बॉडीज ही नहीं मिलती लीडर्स की. और सईद अली गिलानी साहब के साथ जो कुछ हुआ, उनकी जस्ते खाकी के साथ, और इतना बड़ा लीडर, सदियों में पैदा होते हैं ऐसे लीडर्स, और उनको जिस तरीके से उनकी बेहुरमती की विद अ डेड बॉडी, इट वॉज ह्यूमिलिएटेड हिज डेड बॉडी, हिज फैमिली वॉज बीटन अप इन द रूम जहाँ डेड बॉडी थी, और फिर उनको लॉक कर दिया घर की औरतों मर्दों को सारों को, और फिर घसीट के डेड बॉडी लेके गए एंड उनको जाके रात के अंधेरे में दफनाया गया. हंड्रेड ऑफ ईयर्स बैक सिमिलर थिंग हैपन विद बाबा बुल्ले शाह, उनको भी उस ज़माने के ट्रांसजेंडर्स ने दफनाया था, उनको भी जैसे कि रात के अंधेरे में. और अब वो एपी सेंटर है पूरा साउथ पंजाब का आप ले लें या जो भी कसूर का ले लें इलाकों का, तो वहाँ पे अभी तक कोई नहीं जा सकता उनकी उनकी ग्रेव के ऊपर. तो एक तो राइट टू लिव ही नहीं है, राइट टू डाई भी नहीं है. आई मीन in today's 21st century, even when you compare it with Palestine, you see a lot of international observers going there, you see bahut zulm hota hai wahan pe bhi, magar at least wahan pe unki leadership ko bhi travel ki ijazat hai, log aa sakte hain, unki khabar pahunch sakti hai. magar ye duniya ka ek wahid hi khitta hai jisne I think har lamha Karbala dekha hai, aur is daur ka jitne bhi villains utha ke dekh lein, चाहे आप हिटलर को देख लें, आप इज़राइल सेटलमेंट्स देख लें, जूश सेटलमेंट्स एट द वेस्ट बैंक इन पैलेस्टाइन,
जो जो जितने भी विलन्स उतार लें, मगर कहीं आपने ऐसा जुल्म नहीं देखा कि आपके पास कुछ भी नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए सवाए अपनी जान के, और एक जान ही है जिसको वो ह्यूमन शील्ड्स बना देते हैं। अब ये भी नए से नए, अब मैं आप लोगों को क्या मैं बताऊँ, नई इजाद की जाती है ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की वहाँ पे, कि किसी की को ह्यूमन शील्ड बना के गाड़ियों के साथ बांध दिया जाता है और फिर उसको घुमाया घसीटा जाता है, फिर डेड बॉडीज़ को घसीट के लेके जाया जाता है, फिर दरख्तों पे टांग दिया जाता है। आई मीन दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आई मीन इमेजन, यू नो, जब ग्लोबल इंफॉर्मेशन, इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब आपके पास सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू भी पता चलता है, तो ये वाकई इस काम के लिए जो भी कोई अपना हिस्सा डालता है, चाहे वो आप स्टूडेंट्स ने, आपकी प्रिंसिपल ने, आपकी फैकल्टी ने, इसका अजर कोई नहीं दे सकता। इसके मेरा थैंक यू नहीं है, अल्लाह की तरफ से होता है। ये जो कैमरामैन भी आए हुए हैं, कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, ये एक इबादत है, ये वाकई में इबादत है। कि अगर आप अपने आप को इंसान हम समझते हैं, तो हमने कोई ना कोई अपनी लाइफ में कोई बड़े मिशन के अंदर अपना हिस्सा डालना है। चाहे हमने डॉक्टर बनना है, चाहे हमने कोई लॉयर बनना है, बिजनेस वूमन बनना है, चाहे किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, किसी ने किसी भी फील्ड में जाना है, टीचर बनना है, मगर अपनी लाइफ के साथ पैरेलल एक बहुत बड़े मिशन के अंदर भी अपना हिस्सा डालना है, वही लाइफ कंप्लीट है। अदरवाइज लाइफ इज़ इनकम्प्लीट। फिर तो हम एक रॉबोट हैं, फिर तो हम किसी भी दुनिया के हिस्सा में पैदा हो जाते हैं, दैट्स इट। कि हम अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी हैं, हम यूरोपियन हैं, हम यहाँ के हैं, हम इंसान तो हमारे सामने हो रहा है। और आपने ये भी विटनेस किया सब ने कि जब लॉकडाउन हुआ 5 अगस्त को, तो उसके बाद पूरा एक हफ्ता जो था वो एक रूमर चला कि यासीन इज़ गॉड फॉरबिड नो मोर। और तिहार में ऑब्वियसली उनको फिज़िकल टॉर्चर बहुत किया जा रहा है, इज़ इन अ डेथ सेल विद एन ओपन टॉयलेट, 5x7 feet का डेथ सेल, एक पिंजरा है जहाँ पे उनको रखा हुआ है, लॉयर का एक्सेस भी नहीं है। तो ये रूमर आया, हम फ़ोन नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ोन लाइंस बंद थी, दिल्ली में भी नहीं रबता हो रहा था जो कोई कश्मीरी लोग थे, कहीं से कन्फर्मेशन नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है, वेयर इज़ ही, और रूमर चल रहे थे। तो एक हफ़्ता वो जो मेरा गुज़रा, और मेरी वालदा का और मेरी फैमिली का, आई कॉन्ट टेल यू द पेन उस वीक की थी, जो अनसर्टनिटी की होती है, जो मिसिंग पर्सन्स को ले लें या कि कोई किस किस हाल में है। और आप दुनिया में, मतलब कि आप कहते हैं कि आपने, और मुझे उस ज़माने में पैनिक अटैक्स हुए थे, आई डिडंट नो व्हाट पैनिक अटैक्स वर, क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हर कश्मीरी को होता है। और जब से मेरी शादी हुई, मैं वहाँ पे फर्स्ट पाकिस्तानी पब्लिक फिगर बनी, जब मैं 2009 में 6 सितंबर को मैं वहाँ पे गई एज अ ब्राइड, और मैंने लोगों को बहुत बड़े, मैंने उनके जश्न देखे, जो वहाँ पे रोड्स पे लिटरली हर वक्त फ्यूनरल्स ही हो रहे होते हैं किसी को शहीद, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी कि एक पाकिस्तान से एक ब्राइड आई है और यासीन की वाइफ बन के। तो वो उनके लिए, आई थिंक उनकी लाइफ में तो गम ही है सारे, तो वो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक, और मेरे लिए तो बहुत ही मेमोरेबल था, हिस्टोरिकल डे था मेरे लिए, कि एक जन्नत को मैं अपनी आँखों से, और वाकई में वो एक जन्नत है जिसको हेल की सूरत में तब्दील कर दिया है। तो जब ये हफ़्ता गुजरा 5 अगस्त के बाद, तो जब मुझे ट्रेमर्स हुए, शेक करी थी मैं, तो मेरी वालदा क्योंकि बैठी हुई है इधर, मैंने ऐसी माँ ही नहीं देखी, क्योंकि मेरी बेटी भी है, अब ये स्कूल भी जाए या कहीं भी जाए, किसी भी मदर का तो परेशान होते हैं कि खैर खैरियत से हों, सेफ एनवायरनमेंट में हों। और स्पेशली जब कहीं रिश्ता आ जाए आपका शादी का, तो लोग देखते हैं सिक्योर हो, कोई ना कोई स्टेबिलिटी हो बेटी को मिले। तो मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई थी तब, और कोई मेल मेंबर नहीं था, मेरा भाई भी छोटा था, वो भी पढ़ रहा था बाहर अमेरिका में। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि मेरी, मुझे तो वो पसंद आ गए थे, हीरो थे, बट एज अ मदर सोचना कि आपके अंदर अपनी बेटी, लोग बेटों को वहाँ पे भी बड़े सोच के भेजेंगे, तो कोई पीछे कोई बैकिंग ना हो, और बस एक फेथ हो कि मैंने, और इनका एक ही वर्ड था, लोग इनसे, बहुत से फ्रेंड्स इनके पूछते थे कि आपने क्यों किया, उन्होंने कहा मैंने, लोग बेटे देते हैं, मैंने अपनी बेटी को दे दिया। और सबसे मैं फेवरेट चाइल्ड हूँ, मैं कह रही हूँ दूसरे लड़ाई ना करें बहन भाई, बट दैट्स रियलिटी। तो ये आई डोंट नो कहाँ से इनमें ये हौसला आया, और अभी तक
इन्होंने मेरा कोई भी मुझे जो संभालती हैं इस मिशन के अंदर, हम आगे लेके चले हैं, तो वो जो हफ्ता था 5th of August 2019 के बाद, बस इन्होंने कहा मसल्ले पे चली जाओ, वो उसको कुछ भी नहीं होगा, ही विल बी फाइन, आई एम डेड श्योर। और किस तरह इन्होंने संभाला, और फिर आगे से आगे अल्लाह हिम्मत फिर देता है। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत खुशकिस्मती होती है इंसान की कि आपको लाइफ के अंदर एक बड़े गोल के लिए आपको कोई अल्लाह चुनता है सैक्रिफाइस करने के लिए। और जब आप सैक्रिफाइस कर देते हैं, क्योंकि इंसान में वो सकत नहीं है, तो फिर अल्लाह ही उसको गाइड करते हैं और अल्लाह ही आगे आपके रास्ते खोलते हैं। तो मैंने एक छोटी सी पोएम थी एंडिंग में, मैं चाहूँगी स्टूडेंट्स को, और उससे पहले मैं ये भी चाहूँगी, क्योंकि हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आजकल इस्टेब्लिश कर रहे हैं कश्मीर सोसाइटीज़, और बड़ा ही अच्छा रिमार्केबल फीडबैक आ रहा है। अभी अपने एरिड यूनिवर्सिटी में की है हमने, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सी बहावलपुर की यूनिवर्सिटीज़ कराची के अंदर। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी ऑनरेबल जो प्रिंसिपल हैं मिसेस इरम अशर साहिबा, कि यूनिवर्सिटी लेवल तो एडवांस लेवल होता है, मगर मैं समझती हूँ एक तो सिलेबस के अंदर जो जिस पर हम काम कर रहे हैं HEC के साथ, कि सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह आपने ये प्ले दिखाया, आपने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर आपने अपनी स्टूडेंट्स तक जो है पैगाम पहुँचा दिया है। बट उसके अलावा आई थिंक ये जो एज होती है ना, व्हेन यू आर अ टीनेजर, ये इम्प्रेशनेबल एज होती है, इसके अंदर भी मैं समझती हूँ कि अगर आपसे ही इसका स्टार्ट किया जाए तो ये एक रोल मॉडल बन सकता है कॉलेज फॉर द इंटायर कंट्री, कि आप एक इस्टेब्लिश करें कश्मीर सोसाइटी, और जिसका दिल हो उसके अंदर अपने आइडियाज़ दे, जो जिस भी क्लास का स्टूडेंट हो उसकी कोई अगर वर्किंग बॉडी बने, क्योंकि ये रिसर्च, जिस तरह ये प्ले आपने किया है, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि आपके स्टूडेंट्स कर सकते हैं, पेंटिंग्स, तो वो एक मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगी हमारी कॉज के हवाले से भी, और फॉर द एजुकेशनल पर्पस इज़ वेल। और एंड में मैं एक छोटी सी पोएम है मेरी जो मैं चाहूँगी कि आप लोगों की इजाज़त से, वॉयज ऑफ द हार्ट, जो मैंने खुद लिखी है। अ लैम्प दैट लिट्स यू, हु नोज व्हेन इट विल सडनली डिसीज, द वॉयज ऑफ लाइफ, स्टोनिंग अलोन मे नाउ सप्रेस नो मोर द वाइल्ड अनरेस्ट। Life is walking on cut glass till the shamadan flickers no more. Yet the doorways to death cells, asylums, prisons, curfews cannot subdue my manic state. Mocks, wails, laments, teases, illusions, they say. Ask them, have they seen the sightless sea? This is for the pellet victims, jinko andha kar diya jata hai. At the glance of sun, a storm begins to grow. Who can but bury the sky under their eyes? Principles of liberty are left for the soulless. These cages lock the human flesh. Let the human soul sing and caress. The flag, a mere cloth, has marked our hearts. Who to call, who to listen? Majnu, Majnu, and nothing else. Mock her, steal her honor, stone her. It is beauty and the empire of beauty from where poetry dwells. Let the water of dull seep you in like God's beauty falling upon beauty. And the last verses are very, very close to my heart, and I dedicate these to all the martyrs of our Kashmir movement. These roses, these blossoms are also the blood of the martyrs. We may live or not, Mishal, they will always blossom, but never fossil. Thank you.